टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। पूंछ जम्मू में इंडियन आर्मी के अंदर अग्निपथ स्कीम के तहत नौजवानों की भर्ती का काम जारी है। 250 से जायद लड़के और लड़कियां अब तक दुर्गा बटालियन में रजिस्टर हो चुके हैं। इलाके के नौजवान भारतीय हुकूमत की अग्निपथ स्कीम को सराह रहे हैं। चार साल के जो अग्निवीर के फॉर्म लग रहे हैं यहाँ रजिस्टर हो रहे हैं, तो इसमें जो चार साल के लिए है इसमें हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसा गवर्नमेंट ने यह आर्डर किया कि चार साल के लिए हर नागरिक देश की सेवा कर सकता है, हम इसी में खुश हैं। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ हमें सीखने को मिलती है, और हमें यहाँ पे अग्निवीर के जो स्कीम है उसके फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सी गर्ल्स और बहुत से बॉयज़ भी आए, और हमें बहुत से बेनिफिट है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें मौका मिलेगा जाने का, और हमें बहुत से बेनिफिट है। अमरनाथ यात्रा कश्मीर में एक ऐसी मुकद्दस यात्रा है जिसके लिए भारत भर से जायरीन कश्मीर पहुंचते हैं और पूरे कश्मीर में अपनी रौनकें बढ़ाते हैं। इस सिलसिला में उधमपुर के जिला में रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी कार्ड्स के इजरा के सिलसिला में खसूसी सरगर्मियों की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमरनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो उधमपुर हैं, और यहाँ पर अब ये ट्रैकिंग डिवाइस के कार्ड की कोई सुविधा अब स्टार्ट हुई है और इमीडिएटली यहाँ बन भी गया है, जिससे आगे बहुत सुविधा मिलेगी इसके, तो आगे के लिए बहुत अच्छा है ये। जम्मू कश्मीर के मुकाम सोनामार्ग के इलाके बलताल में एक फूड स्टॉल पर भारतीय झंडे की मौजूदगी यात्रियों के लिए सेल्फियां लेने का बायस बन गई। आइए एएनआई की कर्टसी के साथ इस रिपोर्ट को देखते हैं।
जो क्या नाम है, हम यहाँ पर तिरंगे का वाला भंडारे के नाम से हमारा भंडारे को लोग पहचानते हैं, अमरनाथ यात्री, वो इसलिए पहचानते कि हमारे को महादेव की भक्ति के साथ साथ देशभक्ति भी हमारे में वो जुनून वाली जागरूक रहती है। इसलिए हमने ये क्या नाम है तिरंगे की थीम दी, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि यहाँ पर अमरनाथ यात्रा में आने लोगों को डर लगा करता था कि पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। हमने तिरंगे की थीम बना के लोगों को ये मैसेज दिया है कि यहाँ पे तिरंगे की जो थीम बनती है, यहाँ पे लोकल जो कम्युनिटी है, लोकल कश्मीरी जो भाई है हमारा, जो टेंट वाला है, पोनी वाला है, घोड़े वाला है, पालकी वाला है, वो इसका भी सम्मान करता है तिरंगे का। बहुत अच्छा लग रहा है, एक अपने देश का तिरंगा लग रहा है और एक जो भी आता है एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है और हमारे कश्मीरी भाई भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। दो साल बाद ये यात्रा खुली है, सबके चेहरे पे खुशी का माहौल बना हुआ है, एक अच्छा माहौल, इतना अच्छा माहौल है कि देखने को ही बनता है माहौल। मुझे दो साल बाद यहाँ पे आने के बहुत अच्छा लगा, कोविड के कारण जो दो साल यात्रा नहीं थी, इस साल जो यात्रा है सभी यात्रियों में और सभी लंगर के सेवादारों में मैंने देखा है, सभी लंगर वालों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा और जो इनकी लोगों की तैयारी होती है वो इतने जोश खरोश से है कि दिल खुश हो गया उस चीज़ को देख के। इंडियन आर्मी अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की देखभाल का मुसलसल निजाम संभाले हुए है। इस सिलसिला में इमरजेंसी तिब्बी मदद की खातिर वो अब दर्जनों अफराद को अस्पतालों और क्लिनिकों तक पहुंचा चुकी है।
आखिर में श्रीनगर और लद्दाख के बीच दुश्वार गुजार हाईवे पर सैलाबी रेलों के सबब सड़क ब्लॉक होने के काम को साफ करने की कार्रवाइयों की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टिसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।